हाय फ्रेंड्स, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था फॉर लूप के बारे में. हमने ये सीखा था कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं. तो अभी हम एक छोटा सा डाइवर्ज करेंगे, एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ओवरफ्लोइंग. और ओवरफ्लोइंग जो है वो हमेशा आपको दिखेगा कि लूप्स में और वैसे एग्जीक्यूशन में बहुत बार आता है. तो ओवरफ्लोइंग ये चीज़ होती क्या है? तो हमारे ये जो टाइप्स हैं इंट, कैर और लॉन्ग, इन सब में जो वैल्यूज़ हैं ये बाउंडेड होते हैं. इसका मतलब ये एक मैक्सिमम वैल्यू के आगे और वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब अगर आप चाहोगे कि उससे बड़ा वैल्यू स्टोर हो तो ये नहीं हो पाएगा. तो अगर आप कभी ऐसा एक्सप्रेशन लिखो अपने लूप में जिससे एक ऐसा वैल्यू बने जो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे आगे चला जाए, तो उससे जो स्टेट आती है उसको बोलते हैं ओवरफ्लो. ओवरफ्लो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक आपके पास जार है एंड आपने उससे ज़्यादा पानी डाल दिया जितना उस जार होल्ड कर सकता है, तो उसको हम ओवरफ्लोइंग बोलते हैं. एंड उसी हिसाब से आपके जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल में जितना वैल्यू स्टोर हो सकता है उससे बड़ा वैल्यू स्टोर करने की आपने कोशिश की है. तो ये जो ओवरफ्लो होता है उससे आपका जो रिजल्ट आएगा वो इनकरेक्ट होने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है. तो आपके बेसिकली प्रोग्राम्स गलत चल जाएंगे. इसका अगर आप एक एग्जांपल सोचो तो रिसेंटली यूट्यूब में ऐसे हुआ था कि उनका जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ होता था वो एक इंट में रहता था, 32 बिट्स का. तो एक वीडियो जो था गैंगनम स्टाइल का, उसके जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ थे वो उससे ज़्यादा बड़े हो गए थे जितना वो डेटा टाइप स्टोर कर सकता था. एंड इसलिए एक फ़नी चीज़ हो गई थी कि यूट्यूब में उस टाइम पर नेगेटिव व्यूज़ दिखाने लग गए थे. एंड ऐसी प्रॉब्लम्स ओवरफ्लोइंग से आती है क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ है वो उस इंट के लिमिट से ज़्यादा आगे चला गया, इसलिए वो व्यूज़ नेगेटिव दिखाने लग गया था जो बेसिकली इनकरेक्ट वैल्यू दिखाने लग गया था. बहुत बार ऐसे होता है कि आप ओवरफ्लो को अवॉइड कर सकते हो एंड उसको करने के लिए बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं. तो एक दो ट्रिक्स हम अभी देखते हैं. तो मान लीजिए हमें जो अभी एग्जाम्पल दिया गया है हमें बताता है कि हमें एन पी आर कैलकुलेट करना है. तो अगर आपको याद होगा तो हमने स्कूल में पढ़ा था एन पी आर का वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो मान लीजिए एन का वैल्यू है 100 और आर का वैल्यू है 2. इसका मतलब आपको एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल में 100 फैक्टोरियल बाई 98 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. अभी 100 फैक्टोरियल और 98 फैक्टोरियल ये दोनों नंबर्स कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं. आप एक बार सोचो तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ हो सकते हैं एंड ये नंबर कंप्यूटर होल्ड नहीं कर सकता. तो क्या इसका मतलब हम एन पी आर का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल गलत बात है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 100 फैक्टोरियल बाई 98 फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू एक्चुअली सिर्फ 100 × 99 ही है एंड ये नंबर है 9900. एंड ये नंबर हमने बहुत बार देखा है कि इतने बड़े नंबर्स हमारे प्रोग्राम में चल जाते हैं. इसीलिए हमें स्मार्ट एल्गोरिदम्स लिखने होते हैं ऐसे केसेस अवॉइड करने के लिए. तो हम एक और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं एंड इसको कोड के साथ हम देखेंगे कि कैसे ओवरफ्लो अवॉइड किया जा सकता है. तो मान लीजिए हमें ये सीरीज जो है टी एन इक्वल्स एक्स प्लस 1 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल के टर्म्स कैलकुलेट करने हैं. तो आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि 2n प्लस 1 फैक्टोरियल जैसी चीज़ है नीचे. अगर n हमारा 20 या 30 के आसपास कुछ आ जाए तो ये 2n प्लस 1 बहुत बड़ा हो जाएगा एंड उसका फैक्टोरियल कंप्यूटर में फिट नहीं हो पाएगा. तो अभी इसको हम कैसे करेंगे? तो nth टर्म अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें x प्लस 1 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल करके, तो ये मोस्ट प्रोबेबली फिट नहीं करेगा. तो इसका एक अच्छा वे क्या होगा? इसका अच्छा वे ये होगा कि हम उसको एक के बाद एक करके कैलकुलेट करें. मान लीजिए हमें टी एन माइनस 1 पता है तो हम टी एन को कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ टी एन माइनस 1 इंटू ये टर्म करके. ये आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज है, आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह से सही होगा. तो आप फिर देख सकते हो कि ये जो आर टर्म है ये टर्म बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. ये हम लोग ऐसे कैलकुलेशंस हमेशा करते हैं एंड ये फिट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में. तो इसीलिए हम ऐसा टर्म कैलकुलेट करके अगर उसको टी एन माइनस 1 में मल्टीप्लाई करें
तो हमें जो 2n+1 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का बड़ा इशू हो रहा था वो नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप ऐसा ट्रिक को यूज़ करके एक लूप के अंदर जो tn's हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसका कोड देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसका कोड खुद से भी लिख लें, इससे आपका लूप्स का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस आप ओवरफ्लो अवॉइड करने का एक अच्छा एग्जाम्पल खुद से कर पाओगे एंड इससे लार्ज n के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट हो सकती हैं। तो ये हमारा कोड है, हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं i, इस वेरिएबल को ही यूज़ करेंगे हम लूप में ith टर्म डिनोट करने के लिए और उसको कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमने बनाया फ्लोट x, जिसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन कर रहे हैं, तो हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं एंड टर्म को हमने इनिशलाइज़ किया है 1.0 से। हम अभी आगे देखेंगे कि हमने टर्म को 1.0 से इनिशलाइज़ क्यों किया। हमने अभी यहाँ पे अपना लूप लिखा, फॉर लूप, फॉर i का इनिशियल वैल्यू होगा 1, i हम चलाएंगे 50 टर्म्स तक एंड हर लूप के एग्जीक्यूशन के बाद हम i को i+1 करेंगे। अब लूप के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा, टर्म इक्वल टू टर्म इंटू x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i इंटू 2i+1। तो हमने ये पहले देखा था कि tn इक्वल्स tn-1 इंटू r एंड ये r का वैल्यू था x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n इंटू 2n। तो हमने ये पहले देखा था कि tn का वैल्यू था tn-1 इंटू r एंड r का वैल्यू था x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n इंटू 2n+1। तो सिमिलरली हमारे कोड में अभी ये जो n है वो i से डिनोट किया गया है एंड हमने यहाँ पे टर्म को टर्म इंटू x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i इंटू 2i+1 किया है। तो यहाँ पे हमें टर्म को इनिशियली 1.0 क्यों करना पड़ा था, क्योंकि जब हम पहला टर्म निकाल रहे हैं तो उसको हम t0 इंटू r लिखते, लेकिन हमारे पास t0 का वैल्यू है नहीं, तो हमें इनिशलाइज़ करने के लिए t0 को हमने 1 डाला है एंड इससे मल्टीप्लाई होके हमारे टर्म्स सही सही कैलकुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक था ब्रैकेट्स में, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमने ऐड किया है और यहाँ पे भी एक ब्रैकेट मिसिंग था, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट्स अभी सही से बैलेंस्ड है। तो इसमें हमने ओवरफ्लोइंग अवॉइड कैसे किया, हमने टर्म को हर बार एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके किया। इंस्टेड हम अगर यहाँ पे ऐसे करते टर्म इक्वल्स x^2n जो कि यहाँ पे 2i होगा डिवाइडेड बाय 2i+1 फैक्टोरियल, अगर हम इसको इस वे में लिखते तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है बड़े i के वैल्यूज़ के लिए बहुत बड़े हो जाते एंड इससे हमारा ओवरफ्लोइंग का प्रॉब्लम आता। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही छोटी चीज़ देखी ओवरफ्लोइंग से हमने ये सीखा कि कभी कभी हमारे कैलकुलेशंस में जो नंबर्स हैं जो बीच में आते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं एंड इससे हमारा कोड गलत रिजल्ट दे सकता है। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा जिसमें हम ओवरफ्लोइंग को छोटे से ट्रिक से अवॉइड कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे, तब तक गुड बाय, थैंक यू।